दोस्तों ये मेरे पास है 2-in-1 एग्री ग्रो कंपनी का स्प्रेयर, यानी कि ये हाथ से भी चलता है और बैटरी से भी चलता है। समस्या ये होती है किसान भाइयों के बीच में कि जो बैटरी का डिस्चार्ज हो गया तो वो अपनी फसलों में दवाओं का छिड़काव कैसे करें या फिर किसी भी चीज़ का स्प्रे कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में मैं इसके इंस्टॉलेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करना। सच्चाई बताऊँ तो मैं खुद इसके इंस्टॉलेशन में बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था, तो सोचा कि उन दोस्तों को भी बताऊँ जो इसके इंस्टॉलेशन में परेशान हुए हैं। तो इस वीडियो से को देख के आप इसके इंस्टॉलेशन आराम से कर सकते हैं। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं चाहिए तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। देखिए, ये है मेरे हाथ में है, इसको बोलते हैं बैरिंग। ये बैरिंग है, ये पंप मैनुअल पंप की तरह ये काम करने में मदद करता है। और ये इसके जो हैं वो बेल्ट हैं। साथ ही साथ मुझे इस डब्बे में मिला बहुत अलग अलग टाइप के नोजल। नोजल में भी बहुत सारी चीज़ पड़े हुए हैं, वॉशर वगैरह बहुत कुछ उसके अंदर है। और ये पाइप है जो स्प्रे करने में आपका पाइप मदद करता है। और ये चार्जिंग है जिससे आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और ये है स्प्रेयर को प्लग करने वाला, यानी कि आप इससे इसके कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसको क्या करते हैं, शट करते हैं। तो देखिए, ये मेरे हाथ में अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के नोजल हैं। बागवानी करते हैं या फिर किसी भी फसल में आपको छिड़काव करना, तो आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो इसमें काम आता है वो बैरिंग लगाने का। तो हम सबसे पहले तो इसमें मैनुअल तरीके से जो बैरिंग लगाना है, जिससे आप हाथ से स्प्रे करके बैरिंग लगाए, उसको हम सेट कर लेते हैं। तो ये जो एक जो ये वाला देख सकते हैं जिसमें होल सा दिया हुआ है, इसको पहले आपको लगाना है। फिर क्या करना है, एक ग्रिप जो ये देख सकते हैं, मैं ग्रिप को लगा रहा हूँ। ढक्कन जो इसका है उसके ऊपर से ये जो मेन बैरिंग आता है इसको लगा देना है। देखिए, मैं फिर इसको थोड़ा सा टाइट कर दे रहा हूँ और इसके बैरिंग वाले मुँह को ये बड़े वाले ढक्कन की ओर रख देना है, बड़े वाले ढक्कन की ओर रख देना है। ठीक, तो अब आगे की ओर मैं दिखाता हूँ क्या करना है कि जो ये अभी मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ये बैटरी से चलने वाला तरीका बता रहा हूँ। आगे मैं बताऊँगा कि मैनुअल चलाना हो तो इसको कैसे सेट करना पड़ेगा। तो ये जो ऊपर मैंने बैरिंग लगाया है उसमें एक होल दिख रहा होगा, छेद दिख रहा होगा। तो क्या करना, उसमें एक वो आता है बंद करने का आता है, उसको इससे बंद कर देना है। बंद, देखिए जैसे कि मैं डिस्प्ले में आप देख सकते हैं मैं बंद कर रहा हूँ। और बंद करने के बाद जो आगे का जो प्रोसेस होता है वो होता है अब पाइप लगाने का। यानी कि अभी मैं बैटरी से इसको चलाने वाला हूँ, तो बैटरी से चलाने के लिए पाइप कैसे लगाए। तो देखिए, नीचे की ओर जो बड़ा वाला जो होल दिख रहा है जहाँ से हम दवा डालते हैं, उसके जस्ट नीचे आपको एक होल दिख रहा होगा स्प्रे करने वाला। वहाँ से आपको पाइप को सेट कर देना है, नोजल की मदद से पाइप को सेट करके फिर ये इनपुट यहाँ कर देना है, रेड वाले हैंड पे जिसको हाथ से पकड़ते अपन, यहाँ कर देना। अब जो आता है स्प्रेयर पंप आता है, इसको लगा सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात तो ये है कि आप इसको चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। अगर इसमें भी आप चाहते हैं कोई और नोजल लगाना तो ऊपर चाहें तो आप अलग अलग टाइप के नोजल लगा सकते हैं। देख सकते हैं, ये इस पे भी आप नोजल लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। जैसे कि कोई बागवानी करते हैं तो उनके लिए तो ये इतना परफेक्ट है कि ऊपर दवा छिड़कना हो, या फिर नोजल लगा के आप गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो नोजल लगा के आप आराम से अपना कर सकते हैं। अब देखिए, ये है, ये चार्जिंग का प्लग है। चार्जिंग के प्लग के साइड में है वो इसकी स्पीड को कम और ज्यादा करने वाला है। देख सकते हैं, चार्जिंग का प्लग है और ये चार्जिंग यहाँ इनपुट करना है। और ये इसका मेन है, बैटरी का मेन स्विच है ऑन ऑफ करने का। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या करना है। ये तो हम इसमें नोजल सेट कर दिए, जैसा अपने को नोजल चाहिए वैसा अपन नोजल इसमें सेट कर सकते हैं। अब क्या, अब इसमें बचता है अगर हमको बैटरी से चलाना हो तो ऐसा, अगर मैनुअल चलाना हो तो मैनुअल के लिए क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो ऊपर वाला जो बैरिंग है उसमें अपने को ये एंगल लगा देना है। एंगल लगाने जो बड़ा वाला जिधर बड़ा होगा वो ऊपर की ओर लगेगा, और जिसका एंगल जो छोटा होगा, एंगल का जो नोक जिधर छोटा होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो बड़ा वाला को हम ऊपर लगा के क्या करेंगे। और इसके बाद एक और एंगल आता है जो आप उसके पीछे आपको एक होल दिखेगा, उसमें आपको सेट कर देना है। सेट करने के बाद क्या करें, ये जो नीचे वाला जो एंगल है उसमें भी एक छोटा सा छेद होगा, उसमें आपको इसमें डाल देना है। डालने के बाद क्या करना है, इसमें एक पिंग लगा देना है जिससे क्या हो, इसकी ग्रिप बनी रहे और ये गिरे ना या फिर इधर उधर कहीं जाए ना, भागे ना, जिससे कि ये निकल सके। तो अपन लगा दी, नीचे भी लगा दी और ऊपर में भी स्पेस दिया होता है पिंग लगाने का, तो ऊपर भी आप पिंग लगा दें। ठीक है, देख सकते हैं जिस हिसाब से मैं लगा रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है, अब ये हैंडल का एक वो भी आता है, सॉकेट आता है हैंडल, जिससे कि वो लोहा
आपके हाथों में चोट ना लगे या फिर आसानी हो आपको हाथ से चलाने में। ये मैंने इसको जैसा कि आप देख सकते हैं सेट कर दिया। अब अपन देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें बेल्ट कैसे लगाना है। तो देखिए बेल्ट लगाने के लिए ये नीचे जो वो दिया होगा उसमें आप बेल्ट लगा के इस हिसाब से आप पूरी तरह से बेल्ट लगा सकते हैं। बहुत बेल्ट लगाना तो बहुत ईजी है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया था। अब अगर आपको मैनुअल चलाना हो तो आप क्या करें, यहाँ से निकाल सके बैटरी वाले नोजल से पाइप निकाल के मैनुअल वाले नोजल में लगा दे पाइप को, और जो वो जो दिख रहा था आपको गोल वाला ढक्कन, उसको क्या करें नीचे ग्रिप में, नीचे वाले बैटरी वाला जहाँ से चलाने वाला है वहाँ सेट कर दें। इससे क्या होगा, जो दवा होंगी वो इधर से थोड़े से भी लीक नहीं करेंगे या फिर कहीं से भी निकलने के कोई चांस नहीं रहेंगे। तो ये था पूरा इसका सेटअप। वीडियो कैसा लगा हो वीडियो जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।